पार्लर के लिए गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हम इन दोनों ओपन हिस्सों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम यहाँ से अपने तीन की सेटिंग करेंगे। तीरे की सेटिंग करने के बाद हम यहाँ से गले की लंबाई लेंगे। हमारे गले की लंबाई है 6 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 7 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा बैंड कॉलर 1 इंच का होगा, तो वो जब 1 इंच यहाँ पे अटैच होगा तो हमारा गला 6 इंच तैयार हो जाएगा। हमारे गले की चौड़ाई है 6 इंच, तो हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे यहाँ से लेके ऊपर तक हल्का वी शेप में गले को कट करेंगे। यहाँ से लेके ऊपर तक हम हल्का वी शेप देने के बाद गले को कट करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। अब हम गले का साइज लेंगे और इसके मुताबिक फ्यूजिंग पे बैंड कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे गले का साइज है 9.5। तो ये हमारी एक साइड 9.5 है, तो दूसरी भी 9.5 है, तो इस लिहाज से ये हमारा तकरीबन 19 इंच होगा फ्रंट का। और बैक का ये हमारा 3 इंच है, तो ये 6 इंच होगा। तो इसी साइज के हिसाब से अब हम बैंड कॉलर की कटिंग करेंगे। यूज बैंड कॉलर की कटिंग के लिए हमने ये फ्यूजिंग का पीस लिया है। ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से यहाँ इस निशान से 1 इंच के मार्जिन पे यहाँ निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम नीचे भी 3 इंच लेंगे और इस निशान से भी 3 इंच लेके यहाँ दोनों साइडों पे हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का बैंड कॉलर होगा। और अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लेके हम यहाँ तक हल्का वी शेप देंगे। और इसी तरह से यहाँ भी 1.25 इंच के मार्जिन पे हम यहाँ भी हल्का वी शेप देके यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। फिर हमारे फ्रंट गले का साइज है 9.5 इंच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9.5 इंच फ्रंट गले का साइज मुकम्मल है। और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच हमारा बैक गले का बैंड कॉलर का साइज मुकम्मल है। हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने जो बैंड कॉलर फ्यूजिंग पे कट किया है, बिल्कुल उसी साइज में हमने फ्यूजिंग की एक और लेयर को कट किया है। और अब हम ये डबल लेयर इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि गले के अंदर और बाहर सिलाई में सिफाई आए। तो हमने इन दोनों लेयर्स को कपड़े पे चिपका लिया है। अब हम इसको कट करेंगे।
व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले इसको, इस बैम कादर को इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ये इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे से इधर से टर्न करेंगे और एक साइड से हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी साइड से हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पिंस लगाई हैं ताकि हमारी डबल लेयर आगे पीछे ना हो। तो अब हम यहाँ पिंस निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फिर से हमने ये ऊपर वाली सिलाई को लगा लिया है। अब हम इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। अब हम यहाँ एक साइड से इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा के अंदर की तरफ कट लगा लिए हैं। इसी तरह से हमने ये इधर से भी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से। हमने इस बैंड कादर को टर्न करके इसी से सेट कर लिया है और यहाँ से भी हमने इजाफी कपड़े को कट कर दिया है और यहाँ हमने सेंटर में कट का निशान लगाया है। फिर हमने कमीज के बैक गले में भी सेंटर में कट का निशान लगाया है। तो हम इस सेंटर के कट के निशान को इसके साथ मैच करते हुए पहले सिलाई को यहाँ दोनों तरफ तीरे की साइड में लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ कोने को कोने से मिलाते हुए सिलाई को यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमने एक साइड की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम दूसरी साइड में इस कोने से लेके सिलाई को यहाँ से लेके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पहले हम इस कोने को कोने से मैच करके सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स, हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको, इस सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पे पिंस लगाएंगे, उसके बाद बैक से सिलाई स्टार्ट करके पहले की तरह तीरे तक दोनों साइडों पे सिलाई लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। व्यूज, हमने तमाम मार्जिन को अंदर की तरफ करके यहाँ पिंस लगाई हैं। अब हम यहाँ सेंटर बैक से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हम दूसरी साइड को सिलाई करेंगे। अब ये हमारा बैंक कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको इस्त्री से सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमारा ये बैंक कॉलर सिलाई हो गया है। अब हम इसे इस्त्री से सेट करेंगे। हमने बैंड कॉलर को इस तरीके से सेट कर लिया है और यहाँ फ्रंट पे हमने जितने पार्ट को ओवरलैप किया था, यहाँ हमने बड़े स्टोन वाले बटन लगाए हैं और यहाँ नीचे से हमने 10 इंच हिस्से को ओपन रखा है, बाकी के हिस्से को हमने अंदर से लॉक कर दिया है। व्यूज, यहाँ से हमने ओपन रखने के लिए 1.5 इंच कपड़े को अंदर की तरफ टर्न किया था, तो यहाँ से हमने अंदर की तरफ इसको ओवरलॉक कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे इस रो में स्टोन्स लगाए हैं, आप चाहें तो जिगजैग शेप में भी लगा सकते हैं।
और हमने यहाँ पे बड़े स्टिचेस की सिलाइयाँ लगाई थी, तो स्टोन लगाने के बाद हमने वो सिलाइयाँ निकाल दी हैं। यहाँ स्लीव्स पे भी हमने सिलाई की फिटिंग के लिए यहाँ पे इतने पार्ट को ओपन रखा था, तो यहाँ भी हमने इस तरह से ये बटन लगा लिया है। हमने ट्राउजर के बॉटम पे जिस तरह से एक पांचे पे डिज़ाइन बनाया था, इसी तरह से हमने दूसरे पांचे पे डिज़ाइन बना के इनर लेग की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। हमारा ये डिज़ाइनर सूट मुकम्मल हो गया है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये सूट हमें कमेंट ज़रूर दीजिए, और देखते रहिए ग्लैमरस डिज़ाइनिंग वीडियो। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।